जल शक्ति मंत्रालय है आपका, उससे जुड़ा हुआ है गंगा का मसला भी, वो भी काम आप देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 1858 में टेम्स नदी है जो लंदन में बहती है, वो इतनी प्रदूषित हो गई थी, इतनी बदबू आती थी कि उसके किनारे बसा जो पार्लियामेंट हाउस है वो बंद कर दिया गया था, पर आज उसे एक साफ नदी माना जाता है टेम्स को। हम क्या गंगा से भी इस तरह की उम्मीद, इस तरह की कायाकल्प की उम्मीद कर सकते हैं? आपने गंगा अगर कई साल पहले देखी होगी, वो प्रधानमंत्री जी तो वाराणसी से सांसद हैं, उन्होंने नमामि गंगे एक अलग प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए अलग पावर दिए हैं, अलग फंड भी दिया है। अभी 5 राज्यों में से गंगा नदी जाती है, हमने वहाँ 5 राज्यों के सेक्रेटरी के साथ बात किया और उनको कहा है कि December 31st तक आपके यहाँ जितने भी नाले अभी नदी में जा रहे हैं उसका DPR बना के भेज दो, लेट नहीं करना है उसको। हमने वन भी किया है, 31st December तक आ जाएगा, उसके ऊपर काम करके एक साल के अंदर वो DPR पे काम करते हुए हर नाला हम बंद कर देंगे। वैसे तो बहुत काम हुआ है, जैसे बनारस में भी एक समय ऐसा था कि पानी काला हो गया था, आज आप नहा सकते हो, ऐसा पानी वहाँ भी हो गया है। मगर कानपुर में कई प्रॉब्लम है, वाराणसी और अस्सी नदी में उसका नाला अभी बह रहा है, हमने वहाँ भी कुछ निर्णय किए हैं। हमने पश्चिम बंगाल में भी 15 DPR बाकी है, उत्तराखंड के बाकी हैं, वो बिहार के हैं, मगर उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से कर दो, हम 1-1.5 साल के अंदर इसको पूरा करना चाहते हैं। तो काम हो जाएगा तो बिल्कुल आप इसी का उदाहरण दोगे माँ गंगा का, ये हम कह सकते हैं, इतना साफ सुथरे बना देंगे उसको।